नमस्कार आदमी भाई, ए थ्री होगा 3 3 का स्क्वायर जमा 5, तो 3 3 9 3 27 जमा 5 27 30 और ये हो गया 32। तो ए थ्री आपका क्या है जी, 32 है। इनके बीच का डिफरेंस 9 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस 7 8 9 10 11 12 5 आया और 15। तो ये नमस्कार आदाब, सत श्रीकाल, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और जो टॉपिक चल रहा है वो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसी के अंदर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट वाली एक और वीडियो, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड हों और बेहतर तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि एक बार देख लेते हैं, बोला क्या जा रहा है। द एनथ टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, एनथ टर्म का एक फॉर्मूला दिया गया है 6n+2। ठीक है, एनथ टर्म ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आपसे बोला गया कि कॉमन डिफरेंस आपने बताना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इससे एक एपी बन रही है, उस एपी का पता लगाओ और उसके बाद उसके कॉमन डिफरेंस का भी आपने तुरंत पता लगा देना है। किस तरीके से पता लगाएंगे, चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, 6n+2। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जो भी इस टाइप का फॉर्मूला है वो है nth टर्म फाइंड करने का। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको दे दिया है, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपने क्या करना है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर n की वैल्यू आप 1 प्लेस कर दीजिए तो बन जाएगा 6 × 1+2, ये आ गया आपका 8। n की वैल्यू आप 2 प्लेस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 6 × 2+2, कहने का मतलब 6 × 2 = 12 + 2, ये आ गया आपका 14। ऐसे ही आपको n की वैल्यू 3 प्लेस करने के लिए है और ये बन जाएगा 6 × 3+2, कहने का मतलब 6 × 3 = 18 और प्लस 2 आपने इसमें कर देना है, कहने का मतलब क्या आया, 19 20। ठीक है, तो आपको तीन टर्म्स पता चल जाएंगी, कौन सी तीन टर्म्स हैं जी, पहली है 8, दूसरी है 14 और फिर है आपकी 20। बात समझ गए, ये आपने क्या किया, एक प्रोग्रेशन आपने फाइंड आउट कर ली है, इसे हम कह रहे हैं कि ये एक एपी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एपी है। अब क्या है इसका कॉमन डिफरेंस, तो मैंने आपको बताया था कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, कि जो कॉमन हो थ्रू आउट द सीरीज, कहने का मतलब इन दो के बीच का डिफरेंस 14 - 8 = 6, फिर इन दो के बीच का डिफरेंस 20 - 14, ये भी आपका 6 है। तो कहने का मतलब ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है आपका कॉमन, और इसी को हम कह देते हैं कॉमन डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट, तो कहने का मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं, बस उसके अंदर आपने 3 4 टर्म्स निकाल लेनी है और हर एक टर्म के अंदर जो 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, उसको आपने फाइंड आउट कर लेना है। अगर ये इक्वल आता है तो यहीं पर आप कह देंगे कि यस दिस इज एन एपी, अदरवाइज दिस इज नॉट एन एपी। बात समझ गए, क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है अगला सवाल, ये राजी अगला सवाल, ये देखिए क्या है कहानी इस सवाल की, देख लेते हैं। शो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाई an आपको दे रखा है, an is equal to 5n - 7, ये फॉर्मूला दे दिया आपको, बोला गया है कि show that the sequence, ये जो sequence बनेगी इस फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला दे रखा है 5n minus 7 is an AP, जो sequence बन रही है वो AP है, ये आपने बताना है, and find its common difference, इसका common difference भी आपने find out करके बताना है। बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपको बताया n की वैल्यू आप 1 प्लेस कर दीजिए, यू विल गेट 5 × 1 - 7, कहने का मतलब 5 - 7, कहने का मतलब -2। बात समझे, ये आपकी फर्स्ट टर्म आ गई। एन की वैल्यू आप 2 प्लेस कर दीजिए, 2 प्लेस करेंगे तो 5 × 2 हो जाएगा, -7, कहने का मतलब 5 × 2 = 10 - 7, कहने का मतलब 3 आ गया, ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। ऐसे ही आप एन की वैल्यू 3 प्लेस कर दीजिए, यू विल गेट 5 × 3 - 7, 5 × 3 = 15, 15 - 7 = 14 और 1 = 15, मतलब 8 आ गया। बात समझे, तो तीन टर्म्स आपके सामने है, पहली कौन सी है, -2 है, फिर कौन सी है, 3 है, फिर कौन सी है, 8 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3 - -2, कहने का मतलब आपका हो गया 3 और 2 = 5। बात समझ गए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 8 - 3 = 5। अब ये और ये जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आपके सामने आया है, ये कॉमन है, देखो यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, इसी वजह से इसे हम क्या कह देते हैं, कॉमन डिफरेंस कह देते हैं। बात समझ गए, क्या कह देते हैं, कॉमन डिफरेंस। और हाँ, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप कहेंगे यस दिस इज एन एपी। बात समझे, जो प्रोग्रेशन है वो एपी है। इज दिस क्लियर, कॉमन डिफरेंस का सेम रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है जी, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, एक बार देख लिया जाए। ये लीजिए जी, नेक्स्ट सवाल ये रहा,
क्या कहा जा रहा है इस सवाल के अंदर, एक बार समझ लेते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ ए सीक्वेंस इज गिवन बाय दिस, ए एन का फॉर्मूला दे रखा है -4n + 15 आपको बोल रखा है। इज द सीक्वेंस एन एपी, ये जो सीक्वेंस बन रही है, ये जो सीक्वेंस है क्या ये एपी है या नहीं है, ये आपने बताना है। इफ सो, यदि है, फाइंड इट्स 15th टर्म, आपको ए 15 का पता लगाना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और आपको कॉमन डिफरेंस डी का पता लगाना। बात समझ गए, क्वेश्चन समझ आ गए क्या? बोला गया एक जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से कोई सीक्वेंस बन रही है, वो सीक्वेंस एपी है या नहीं पहले तो ये बताना है आपको, और अगर है तो फाइंड इट्स 15 टर्म, इसकी 15 टर्म का पता लगाइए, एंड द कॉमन डिफरेंस, इसके कॉमन डिफरेंस का आपने पता लगाना है। चलिए तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें इसकी कुछ टर्म्स पता कर लेनी है, ठीक है। जैसे कि एन की वैल्यू आप 1 रिप्लेस करिए, 2 करिए, 3 करिए, ठीक है, तीन टर्म्स आप पता कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला दे रखा है ए एन इज -4n + 50, एन की वैल्यू जब मैंने 1 डाली तो हो गया -4 × 1 = 15, कहने का मतलब -4 × 15, कहने का मतलब 11, पहली टर्म आपकी आ जाती है 11। बात समझ गए, क्लियर है। तो ए वन इज 11, ठीक है। ए टू अगर आप पता लगाते हैं तो एन की वैल्यू 2 प्लेस कर दीजिए, यू विल गेट -4 × 2, यहां पर 2 + 15, कहने का मतलब 4 × 2 - 8 = 15, ठीक है, 8 और 7 = 15 होता है, तो ये आ गया आपका 7। तो ए टू की वैल्यू क्या आ गई जी, 7 आ गई। बात समझ गए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप एन की वैल्यू 3 प्लेस कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एन की वैल्यू अगर आप 3 प्लेस करते हैं तो व्हाट यू विल गेट, -4 × 3 + 15, 4 × 3 = 12 होता है, -+15, कहने का मतलब आपको मिलता है 3। कहने का मतलब क्या है, ए थ्री आपका आ गया आपका 3। बात समझे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 7 - 11 - 3 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 - 7 = 7, 4 = 11, 3 का नहीं, यहाँ पर 4 का है, ठीक है। 3 में से 7 गया, 3 - 7, कहने का मतलब यहाँ भी -4 का, -4 यहाँ -4 यहाँ, तो डिफरेंस इज सेम, तो यू कैन से -4, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, या कहें जो डिफरेंस है वो सेम है, तो आप कह देंगे कि यस दिस इज एन एपी। बात समझ गए। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि ए 15 और फाइंड आउट कर दो, क्या फाइंड आउट करना है, ए 15 और फाइंड आउट करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए 15 जब आपको बोला गया फाइंड आउट करने के लिए, तो बहुत सिंपल है, -4 × 15 = 15 कर देना, ये जो आता है ये आपका ए 15, कहने का मतलब दिस विल बी योर 15th टर्म होगी, ये 15वीं टर्म होगी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होनी नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस का आपने बेनिफिट लेना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी परफेक्शन खुल के सामने आ रही है, ठीक है। चलिए, जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग फॉलोइंग एन एटम इज एन एपी। अब क्या है, आपको एक सीक्वेंस दे रखी है और उसका फॉर्मूला दे रखा है, जैसे कि पहला है ए एन आपको दे दिया 2n - 1h, ठीक है, 2n - 1 है, ठीक है। अब आपको बोला गया कि इस फॉर्मूले से जो सीक्वेंस बन रही है वो एपी है या नहीं पहले तो ये पता लगाना है, ठीक है, और साथ में कॉमन डिफरेंस भी पता लगा दीजिएगा, ये मेरी तरफ से है, ठीक है। तो कैसे होगा, एपी के लिए आपको क्या करना है, ए एन आपको दे रखा है 2n - 1, ए 1 निकाल लो, कहने का मतलब एन की वैल्यू 1 प्लेस कर दो, तो 2 × 1 - 1, ये आपका आ गया 2 में से 1 गया 1, तो ए 1 आपका क्या आ गया, 1 आ गया जी। ए 2 निकाल लीजिए, ए 2 जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए 2 अगर आपने निकालना है तो एन की वैल्यू आप 2 रख देंगे, कहने का मतलब 2 × 2 - 1 कर देंगे, 4 में से 1 गया 3 आ जाएगा, तो ए 2 आपका आ गया 3। बात समझे, ठीक है। सिमिलरली ए 3 आप निकाल लीजिए, ए 3 आप कैसे निकालेंगे भाई, 2 × 3 - 1, 3 × 2 = 6 में से 1 गया 5, तो ए 3 आपका 5 आ जाता है, क्या आ जाता है जी, ए 3 आपका 5 आ जाता है, इनका कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो ये जो 2 है ये क्या है, कॉमन है, ठीक है, और यही आपका कॉमन डिफरेंस है। इज दिस क्लियर, ठीक है। ये जो कॉमन डिफरेंस है, अगर कॉमन रहता है, कहने का मतलब कि किन्हीं भी तीन टर्म्स के बीच में, यहां पर अगर आपने निकाला डी 1, ये निकाला डी 2, कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन डिफरेंस 2, तो अगर ये सेम होता है तो आप कह देंगे यस दिस इज एन एपी, अदरवाइज नो। इज दिस क्लियर, तो इस केस के अंदर ये एपी है, क्लियर है मामला, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, डेली वीडियोस का डोज में। अब देखिए, ए एन आपको क्या दिया जा रहा है, 3n² + 5 है,
एन की वैल्यू आप वन प्लेस करो तो क्या आ जाएगा, तीन वन का स्क्वायर जमा पांच तीन, ये तीन रहा ठीक है, तीन और पांच आपका आठ हो गया। इज दिस क्लियर? तो ए वन आपका एट है ठीक है। ऐसे ही आप ए टू निकाल लीजिए तो थ्री टू का स्क्वायर जमा पांच, दो दो चार तीन बारह, पांच सत्रह होता है, तो ए टू आपका आ गया सेवन। इज दिस क्लियर? देखते चलिए ध्यान से। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ए थ्री और निकाल लेंगे ठीक है। ए थ्री आप कैसे निकालेंगे भाई, ए थ्री होगा थ्री थ्री का स्क्वायर जमा पांच, तो तीन तीन नौ तीन सत्ताईस जमा पांच सत्ताईस तीस, और ये हो गया बत्तीस। तो ए थ्री आपका क्या है जी, बत्तीस है। इनके बीच का डिफरेंस नाइन आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस सात आठ नौ दस ग्यारह बारह पांच आया और पंद्रह। तो ये और ये आपका डी वन है जो दो टर्म्स के बीच में निकाला। इन द सेम वे यहां पर ये आपका निकला डी टू। डी वन इज नॉट इक्वल टू डी टू, तो आप कह देंगे दिस इज नॉट एन एपी, क्योंकि दोनों को जो डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस 9 है, ये 15 है, 9 इज नॉट इक्वल टू 15, सो यू विल से दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है ठीक है। क्लियर है मामला? ध्यान से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर करिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल, इसी का एक और पार्ट है उसे भी देखते हैं, समझते हैं ध्यान से क्या है कहानी इसकी। बोला गया कि भाई ए एन जो है ये वन प्लस एन प्लस एन स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है वन प्लस एन प्लस एन स्क्वायर। ए एन इज वन प्लस एन प्लस में एन का स्क्वायर, तो ए वन निकालो जी तो वन प्लस वन प्लस वन तीन हो गया, ए टू निकालो जी ये हो जाएगा वन प्लस टू प्लस दो दो चार, दो छ और एक सात हो गया, ए थ्री निकालो जी तो वन प्लस थ्री प्लस तीन तीन नौ, तीन बारह और एक तेरह हो गया। तीन टर्म आई, पहली है ए वन आपकी तीन है जी, ए टू आपका क्या है सात है जी ठीक है, और ए थ्री क्या है आपका तेरह है जी ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सात में से तीन गया चार, यहां से आपने इसका कॉमन डिफरेंस लिया तो सात सात चौदह, मतलब यहां पर आया छह। फोर इज नॉट इक्वल टू सिक्स, सो नॉट एन एपी। इज दिस क्लियर? इस तरीके से आप एपी का पता लगाएंगे कि कोई भी सीक्वेंस आपकी एपी है या नहीं है, तो ये मेथड होता है उसका। आप कॉमन डिफरेंस फर्स्ट ऑफ निकालेंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो एपी, सेम नहीं है तो एपी नहीं। इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला सवाल एक बार देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये देखिए, फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस राइट द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म लिखनी है आपने, ए बताना है ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताना है डी ठीक है, ए बताना है और डी बताना है। पहली आपने एक सीक्वेंस आप देख रहे होंगे, सीक्वेंस क्या दे रखी है, माइनस पांच है, माइनस एक है, फिर तीन है, फिर सात है, और ऐसे ही इंफिनिटी तक जा रही है ठीक है। अब इसके अंदर ए क्या होता है, ए होती है फर्स्ट टर्म, क्या होती है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है इसके अंदर, जहां से शुरुआत हो रही है वो इसकी फर्स्ट टर्म है। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो माइनस फाइव इज द फर्स्ट टर्म। अब आपसे पूछा गया कॉमन डिफरेंस, तो दो टर्म्स क्या है, ये है माइनस वन, तो माइनस वन माइनस माइनस फाइव, तो कहने का मतलब फोर आ रहा है। यहां पर देखिए थ्री माइनस माइनस वन, तो ये भी फोर आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है जी, इसका चार है। इज दिस क्लियर? तो कॉमन डिफरेंस आप किस तरीके से निकालेंगे, बात समझ गए, और फर्स्ट टर्म कैसे बताएंगे वो भी समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहला पार्ट है ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्या है कहानी नेक्स्ट पार्ट की, ये लीजिए। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या बोला रखा है, वन बाई फाइव है, थ्री बाई फाइव है, फाइव बाई फाइव है, सेवन बाई फाइव है, सबके डिनोमिनेटर सेम है। इसके अंदर फर्स्ट टर्म अगर बोला जाए तो 1 बाई फाइव हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई ए। कॉमन डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखो, तीन में से एक गया तो दो, दो बटा पांच है ठीक है। फिर इसमें डिनोमिनेटर सेम रखो ठीक है, फाइव हो गया, पांच में से तीन गया तो दो, तो दो बटा पांच और दो बटा पांच, दिस इज द कॉमन डिफरेंस जो थ्रू आउट सीरीज मेंटेन हो रहा है। यहां भी देखिए, यहां भी देखिए और यहां भी देखिए, थ्रू आउट सीरीज कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। तो यस, दिस इज एन एपी, और कॉमन डिफरेंस आपने बता दिया। फर्स्ट टर्म क्या होती है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, वो होती है जहां से सीक्वेंस या कोई भी सीरीज शुरू हो रही है, जैसे कि इसकी हो गई वन बाई फाइव। क्लियर? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगला सवाल। ये है जी 0.3 है, 0.55 है, 0.80 है, 1.05,
इसके अंदर ये हो गया आपका ए, यहां से सीरीज बिगिन हो रही है, मतलब 0.3 इज योर ए। अब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो डी वन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इन दोनों को देखिए 0.55 है, माइनस 0.30 कर दो, तो ये हो गया 5, 5 में 3 गया 2.0, तो ये आ गया फर्स्ट कॉमन डिफरेंस। इसके बाद यहाँ देख लीजिए 0.80 और 0.55 है, इसे माइनस कर ली, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया तो 2 और 0.25, तो कॉमन डिफरेंस आपका 0.25 आ रहा है दोनों ही केस में। पहले आपने इन दोनों टर्म्स को यूज किया, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, इन दोनों टर्म्स को यूज किया, फिर उसके बाद इन दोनों को, इसके बाद इन दोनों को करेंगे तो भी आपका 0.25 ही आएगा। दैट्स व्हाई दिस डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये पूरी सीरीज के अंदर, पूरे सीक्वेंस के अंदर सेम रहता है। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है? ठीक है, चलिए इसका एक और पार्ट रह रहा है, वो भी देख लेते हैं क्या कह रहा है अगला पार्ट। ये लीजिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोला जा रहा है, एक बार समझिए इसको। ये है क्या है, इसके अंदर दे रखा है -1.1 है, -3.1 है, -5.1 है, -7.1 है। ए आप तुरंत बता देंगे जहां से सीरीज शुरू हो रही है, ये ए है। कॉमन डिफरेंस के लिए डी -3.1 प्लस में 1.1, तो क्या हो गया 2.0। ये डी वन, कहने का मतलब फर्स्ट टू टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके सामने आ गया। नेक्स्ट टू का और निकाल लीजिए, -5.1 माइनस माइनस प्लस 3.1, तो ये आ गया 2.0। तो यहां भी 2.0, यहां भी 2, कहने का मतलब इस पूरी सीक्वेंस के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, और दैट्स व्हाई दिस इज एन एपी। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर है? ठीक है जी, तो कॉमन डिफरेंस निकालना आना चाहिए। मेन चीज क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉमन डिफरेंस का पता हो कि ए होता क्या है, उसके बाद डी पता हो ये क्या होता है। अभी तक हमने ये दो चीजों के कमांड बना ले ली, बात समझ गए? ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।